क्यों आया सौरभ गांगुली को हार्ट अटैक? सौरभ गांगुली को आए हार्ट अटैक ने दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। ये अचंभा इसलिए भी था क्योंकि सौरभ गांगुली एक खिलाड़ी रह चुके हैं और हम सब ने उन्हें क्रिकेट फील्ड पर भागते दौड़ते और लंबे लंबे छक्के लगाते हुए देखा है। लेकिन एकदम फिट दिखने वाले सौरभ एक दिन घर में एक्सरसाइज कर रहे थे और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। उनकी चिकित्सा देश के मशहूर हार्ट सर्जन और हार्ट विशेषज्ञ देवी शेट्टी ने की। दरअसल सौरभ को ट्रिपल वेसल डिसीज हुई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक दिल तक खून पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से तीन वेसल्स यानी धमनियां करती हैं। आमतौर पर इनमें से किसी एक रक्त धमनी में रुकावट यानी ब्लॉकेज आने पर हार्ट अटैक आता है। लेकिन जब यह तीनों धमनियां ब्लॉक होने के कारण हार्ट अटैक आता है तो उसे ट्रिपल वेसल डिसीज कहा जाता है। सौरभ गांगुली को तीन स्टंट लगाए गए हैं और आजकल वे सामान्य जीवन जी रहे हैं। आज हम आपको हार्ट स्टंट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हार्ट स्टंट कब डलवाएं? हर साल लगभग 20 लाख लोगों को स्टंट लगाया जाता है और यदि हमारी कोरोनरी धमनी में कोई बीमारी लग जाए या फिर उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो डॉक्टर हमें स्टंट डलवाने का परामर्श देता है। लेकिन क्या वास्तव में आपको इसकी जरूरत होती है? इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, क्योंकि स्टंट कुछ लोगों के लिए सहायक हो सकता है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जोखिम भरा भी हो सकता है। आपको शायद ये बात अजीब लगे कि जो स्टंट जान बचाने वाला है वो हमारे लिए खतरा भी बन सकता है। जिन्हें दिल का दौरा पड़ा हो उनके लिए स्टंट जान बचाने का जरिया है, लेकिन ये दिल का दौरा रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। स्टंट क्या होता है? एक स्टेंट तार से बनी हुई जालीनुमा छोटी ट्यूब होती है जिसे एक सक्रिय या ब्लॉक्ड कोरोनरी धमनी में डाला जाता है। अधिकांश स्टेंट तार की जाली से बने होते हैं और स्थायी होते हैं। कुछ कपड़ों से बने होते हैं। इन्हें स्टेंट ग्राफ्ट कहा जाता है। इनका उपयोग अक्सर बड़ी धमनियों के लिए किया जाता है। कुछ अन्य ऐसी सामग्री से बने होते हैं जो हमारे शरीर में घुल जाती हैं। इन पर दवा का लेप लगा होता है जो धीरे धीरे हमारी धमनी में रिलीज होता है ताकि ये फिर से ब्लॉक ना हो। कोरोनरी धमनी कैसे ब्लॉक होती है? ज्यादा तेल वाला खान पान, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट तथा और ज्यादा शराब पीने के कारण धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है जिसमें प्लाक होता है। इस जमाव से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज बन जाता है जो धमनियों द्वारा हमारे दिल तक ब्लड, ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों की सप्लाई को प्रभावित करता है। इसे ही कोरोनरी धमनी की बीमारी कहा जाता है। प्लाक बनने से हमारी कोरोनरी धमनियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे दिल तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड के कम फ्लो होने से सीने में दर्द हो सकता है जिसे आमतौर पर एंजाइना का दर्द, सांस की तकलीफ या अन्य कोरोनरी धमनी रोग के लक्षणों के रूप में जाना जाता है। जब धमनी 100% ब्लॉक्ड हो जाती है तो दिल का दौरा पड़ता है। स्टेंट की जरूरत कब पड़ती है? दिल का दौरा पड़ने पर आंशिक रूप से ब्लॉक्ड धमनी में खून का थक्का बन जाता है और ब्लड फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। ऐसी स्थिति में एक स्टेंट किसी की जान बचा सकता है। कमर, बांह या गर्दन की रक्त वाहिका में एक छोटा सा कट लगाकर स्टेंट प्रत्यारोपित किया जाता है। फिर कैथेटर नामक एक पतली ट्यूब को अवरुद्ध धमनी तक रक्त वाहिका के माध्यम से पास किया जाता है। ट्यूब के सिरे पर एक छोटा गुब्बारा होता है। जैसे ही कैथेटर ब्लॉक साइट पर पहुंचता है बलून को फुला दिया जाता है और ये ब्लड फ्लो के लिए धमनी को फिर से चौड़ा करना शुरू कर देता है। उसके बाद कैथेटर और बलून को वापस हटा लिया जाता है, लेकिन धमनी को चौड़ा बनाए रखने के लिए स्टंट को अंदर ही रखा जाता है। ब्लॉक्ड धमनी को खोलने और रक्त के प्रवाह को बहाल करने से स्टंट हमारे दिल की मांसपेशियों को नुकसान से बचा सकता है और हार्ट फेलियर से होने वाली मौत के खतरे को भी कम कर सकता है। स्टंट डालने के बाद दिल में ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाता है और सीने में दर्द का अनुभव कम हो जाता है। स्टंट निश्चित रूप से दिल के ब्लॉकेज को निकालने में मदद करता है, लेकिन यह धमनियों के अंदर प्लॉक के बनने को नहीं रोक सकता, इसलिए ये फिर से पड़ने वाले दिल के दौरे को रोक नहीं सकता। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में स्टंट डालने के बाद प्लॉक की वजह से हमें फिर से हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन अपनी जीवन शैली में थोड़े से बदलाव के साथ हम ब्लॉकेज को बनने से रोक सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, अगर हमारा वजन अधिक है तो उसे कम करना, स्मोकिंग छोड़ना, तनाव कम करना
और डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाओं को ठीक से लेना। स्टेंट लगने के बाद एक सप्ताह के भीतर हम सामान्य कामकाज करने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी काम को करने में परेशानी है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।